कीनिया का 2 साल लड़का लूंडा क्यूबा पीछे दे विच देश का सब तो घट उम्र का पैनक्रिस डोनर बन चुका है। उसने गुर्दे के फेलियर तो पीड़ित दो गंभीर रूप दे विच बीमार मरीजों को एक नवा जीवन दिता है। तो एक मरीज को एक साथ पैनक्रिस ते किडनी ट्रांसप्लांट किया गया तो दूजे का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इस तों इलावा परिवार के फैसले ने कोरियनल ट्रांसप्लांट को संभव भी बनाया है। जिस तरीके दे नाल असीं सारे ही जानते हैं कि PGI ने एक महारत हासिल की है, लीडिंग जो पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट्स ने PGI दे विच कीते जाते हैं। तो एक होर हिस्टोरिक असीं कह सकते हैं PGI दे विच एक माइलस्टोन साबित होया है। हाल ही दे विच 27 अक्टूबर नूं इंडिया दा असीं कह सकते हैं कि सब तो यंगेस्ट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होया पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट वो PGI दे विच होया। जी हाँ बिल्कुल, कीनिया दे एक 2 साल दे बच्चे दी जो पेनक्रियास सीगी वो ट्रांसप्लांट कीते गए सी। इस समय जेकर असी गल करिए इंडिया दा ते सब तो यंगेस्ट ट्रांसप्लांट है ही, बट ए भी कयास लगाए जा रहे ने कि ये एशिया दा भी सब तो यंगेस्ट डोनर हो सकता है। इस समय साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर आशीष शर्मा जो कि HOD ने PGI दे रेनल ट्रांसप्लांट दे जिन्हां दे वल्लों ये सर्जरी जिहड़ी है ट्रांसप्लांट जिहड़ा कीता गया सी। डॉक्टर साहब दे नाल ही गल करके वधेरी जानकारी इकट्ठी करदे आ कि किस तरीके दे नाल ए रेनल ट्रांसप्लांट जो है ए पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट जिहड़ा होया किस तरीके दे नाल बच्चा अस्पताल दे विच पहुंचा एंड की कुछ रीजनस बने कि इस तरीके दा जो ट्रांसप्लांट है वो PGI दे विच होया। डॉक्टर आशीष तुहाडा ज़िमिरा च बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर आशीष, एक असी जिवें जानते हाँ कि PGI एक माइलस्टोन हमेशा तो ही साबित करता आया है। अगर असी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की गल करिए पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट के विच PGI इज लीडिंग इन द नेशन। तो हाल ही दे विच एक होर मील का पत्थर साबित होया PGI दे विच जिस तरीके दे नाल जो पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट एक 2 साल के बच्चे की जो कि कीनिया का नैशनल सीगा ओदे भी होए ने। थोड़ी जी ये बारे दसो कि किस तरीके दे नाल वो बच्चा किस इंजुरी दे नाल आया सी हॉस्पिटल दे विच। बच्चे नूं सिर च सट लगी सी, वो अपने घर च खेल रहा सीगा, बैलकनी तो गिर गया थल्ले ते बहुत सीरियस कंडीशन च वो मदर उहदी PGI च उन्हूं लैके आई ते डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उन्हूं बचाने की, बट क्योंकि सिर ते चोट उस वक्त इन्नी सीरियस सीगी कि उन्हूं बचा नहीं पाए। ते कई दिन 3-4 दिन वो इस तरह ही इसी हालत च रहा कि ब्रेन दी सीवियर इंजरी ना कोई रिस्पोंस नहीं सीगा। फिर साढ़े जिहड़े काउंसलर्स हैगे आ उन्होंने अप्रोच किया उहदी मदर नूं, ते इनिशियली ते मदर बहुत हैजिटेंट सी, उन्हूं पता नहीं सीगा कि ऑर्गन डोनेशन है, कुछ इहदे बारे आइडिया नहीं सीगा। ते एक बार तो उन्हें मना ही करता सीगा, पर फिर जदों दोबारा उन्हें अपने फैमिली दे नाल सलाह मशवरा किया ते फिर वो मन गई कि हाँ नहीं ये अच्छा कॉज हैगा। तो इसका अगर कुछ पार्ट भी अगर इसका जिंदगी किसी दे सकता है तो इस दुनिया च रह सकता है तो वो करना चाहिए, तो वो इस करके वो मन गई जी। जेकर गल करिए सर, जिवें दस्या जा रहा है कि इंडिया का सब तो यंगेस्ट डोनर जिहड़ा है वो एक कीनियन बॉय जिन्हों निकनेम जो है प्रोस्पर के नाम जिहड़ा जाना जाता है। तो हाल क्योंकि इंडियन नैशनल भी नहीं सी, तो कितना मुश्किल सीगा सारे लीगल अप्रूवल्स लेने, क्योंकि तुसीं कहा कि मदर भी पहला हेजिडेंट सी एंड फिर उहदे विच बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स भी रहे होने। बहुत सारे बैरियर सीगे, सब तो वड्डा बैरियर इंटरनेशनल डोनर सिटीजन लैंग्वेज प्रॉब्लम सीगी, कल्चरल प्रॉब्लम सीगी कि सानू नहीं पता सीगा कि ये किस तरह हैगा, इन्हां दा रिलेशनशिप किन्ना हैगा। तो इस करके काफ़ी हैजिटेशन सी। तो एक स्टेज सानू फिर पता लग्या जो तुसी कर रहे सीगे कि पहला असी सोच रहे सी कि इहदा बच्चे दा बर्थ इंडिया च होया तो शायद इंडियन सिटीजन ही करवाया जाएगा, पर वो जो पता लग्या कि सारा कुछ है कीनिया का तो फिर इनफॉर्मेशन मिली कि एम्बेसी तो परमिशन लेनी पेगी। तो उस स्टेज पर असी सोचा कि ये तो शायद पॉसिबल नहीं होएगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सीगा, सैटरडे का दिन सीगा, तो साढ़े को ब्रेन डेड पेशेंट ऑलरेडी डिकलेयर हो चुका सी बच्चा। तो एक स्टेज पर असी सोचा कि शायद नहीं हो पाएगा, पर उस स्टेज पर जिहड़ी फैमिली है जिहड़े उहदे दोस्त सीगे मदर दे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने ठान लिया कि हुण असी इहनूं इहदे जिहड़े भी है ऑर्गनस जिन्हें भी यूज हो सकते असी उन्हों करा के रवांगे। तो उन्होंने अपने आप ही फिर एम्बेसी च अप्रोच किया, तो एम्बेसी कीनियन एम्बेसी वॉज वेरी हैल्पफुल, काफ़ी मदद की उन्होंने। आउट ऑफ द वे जाके नॉर्मली रिस्पोंड नहीं करते वीकेंड से, बट
उन्होंने पूरा अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिता कि हाँ जी असी इनू वेरीफाई कर रहे हैं ते ऑर्गन डोनेट किए जा। जी सर असी की कह सकते हैं कि इस पेशेंट प्रॉस्पर ने किन्ने अगे पेशेंट्स की जान बचाई, किन्ने पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो? प्रॉस्पर दे कॉर्नियाज डोनेट हुए, पैनक्रियाज किडनी एक पेशेंट नू गए ते दूसरी किडनी दूसरे पेशेंट नू गए। इस तरह उन्हें चार पेशेंट्स की लाइफ नू टच कर दिता। पर आई थिंक उस तो वड्डा जिहड़ा मैसेज हैगा, एक साडा बच्चा फॉरन मदर दे नाल आके अगर वह इस नू हाँ कर सकता ऑर्गन डोनेशन नू, ते जिहड़े आपां इंडियंस अपने इन्नी सारियां डैथ्स हुंदियां वो इस नू डैथ दे विच बहुत घट इंडियंस हैं जिहड़े यस करदे। अगर वो यस कर देन ते सानू जिहड़ी ऑर्गन फेलियर दी जिहड़ी प्रॉब्लम इन्नी वध रही हैगी है वो शायद असी नू काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकीए। असर जेकर गल करिए पेनक्रियाटिक डोनेशन की, असं गल करते इन्ने घट क्यों है पेनक्रियाज डोनेशन एंड पीजीआई लीड कर रहा है, उहदा सब तो वड्डा रीजन की है? इंडिया विच लास्ट ईयर 1000 के आस पास डोनेशन हुई, तो अगर तुम सोचो कि ये किन्ने पेनक्रियाज यूज़ हुए तो सिर्फ 25 पेनक्रियाज यूज़ हुए, बाकी सारे पेनक्रियाज असी नहीं यूज़ कर पाए। हर डोनर का पेनक्रियाज यूजेबल नहीं होंगे, बट ऑन एन एवरेज 20-30% 20-30% जो डोनर होंगे उन्होंने पेनक्रियाज बिल्कुल सूटेबल होंगे है। तो उस हिसाब से सानू घट्टो घट 200-300 पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट पूरे कंट्री होने चाहिए है। पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट इटसैल्फ थोड़ा चैलेंजिंग है, डिफरेंट है बाकी ट्रांसप्लांट तो, जिमें किडनी है बाकी सारे यूरोलॉजी वाले ट्रेंड बंदे वो भी कर लेंगे, पर पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट के लिए चैलेंज ये आ जाता है कि अगर ऑर्गन थोड़ा भी डैमेज हो तो वह लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। 2008 एक ट्रांसप्लांट इस तरह फस्ट टाइम जरा इंडिया चेन्नई किसी ने किया, वो इस तरह ही पेशेंट रिसीपेंट की हालत इन्नी खराब हो गई बाद चो दी डैथ हो गई तो पूरा कोर्ट केस चलिया सी। तो उस लैके भी बहुत सारे लोगों से डर है कि अगर होए तो प्रॉपरली ट्रेन तो प्रॉपरली अच्छी तरह किया जाए ता ही आउटकम्स ठीक आते हैं। शुरू के विच काफ़ी सारे रिजिड क्राइटीरिया भी फॉलो कर रहे कि जेडे इंटरनेशनली है कि एज जी हैगी है पेनक्रियाज डोनर की 10 to 45 का आइडियल डोनर हों गया। पर जिवें जिवें साडा एक्सपीरियंस गेन हो रहा असी रियलाइज किया कि जिहड़े यंग ऑर्गनज़ है दे आर बैटर, बच्चे दे ऑर्गनज़ है बिल्कुल अनडैमेज होंगे, कोई उन्होंने ते असर नहीं होया हुंदा किसी चीज़ का। तो साडे एक्सपीरियंस के नाल अगर तुहाडे कोल टैक्निकल एक्सपर्टीज़ है यंगर ऑर्गनज़ आर बैटर। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा डॉक्टर आशीष तां नाले सारी जानकारी साबित करन दे लई। तो असीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके दे नाल पीजीआई हमेशा तो ही ऑर्गन डोनेशन नूं इन्ना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इन्नी ज़्यादा इनफॉर्मेशन स्प्रैड करता है, तो असीं उम्मीद करते हैं कि आए दिन पीजीआई दे विच इन्ने पेशेंट्स आते हैं जो जान भी गवा देंगे ने, उन्होंने जो नाल अटेंडीज आते हैं उन्होंने भी असीं यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके दे नाल एक फॉरन नैशनल ने चार लोगों की जो है जान बचाई है, उम्मीद करते हैं कि होर पेशेंट्स भी अगे उपराले कर ते ऑर्गन डोनेशन नूं जो पीजीआई दे वल्लों हमेशा ही जिन्हों सर्वोपरि रखा जाता है उहदे लई अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। कैमरामैन अश्विनी मन्हास दे नाल पवित कौर, जी मीडिया मोहाली।